हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं, जो कि ऑक्टल टू डेसिमल की एक ऑक्टल नंबर जो कि आपका डॉट में है, आप उसे जो है डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब पर जाएँ और यहाँ पर हमारा नाम सर्च करें, रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने नोटपैड पर और ज़्यादा टाइम को ख़राब ना करते हुए हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑक्टल। जैसे कि आपको बताया जी दोस्तों, ऑक्टल का जो बेस है ना वो 8 होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है वो 0 से लेके जो है वो 7 तक की डिजिट्स होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे कि आपको बताया जी, डेसिमल के अंदर जो है डेसिमल का जो बेस है वो 10 होता है। तो डेसिमल के अंदर जो है दोस्तों 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो है ना वो डॉट वाला क्वेश्चन है। तो डॉट वाला क्वेश्चन जो है ना, आपको डरना नहीं है, बस आपको समझना है कि किस तरीके से हमें इसे करना है। तो दोस्तों चलिए, मैं इसका सबसे इजी फॉर्मूला आपको आज बताने वाला हूँ, साथ में आपको जो है आंसर वेरीफाई करना भी सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि आप इसका सबसे शॉर्ट ईजी सबसे शॉर्ट और ईजी मेथड सीख सकें और आंसर को भी वेरीफाई करना सीख सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करना क्या है, चीज़ जैसे कि ये डॉट है, तो डॉट से जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, तो दोस्तों उसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो मान लीजिएगा जी, इसकी वैल्यू जैसे 4 है, तो 4 की वैल्यू दोस्तों हम मान लेंगे 0। और उसी तरीके से दोस्तों जो 7 है, इसकी वैल्यू हम मान लेंगे 1। अगर दोस्तों यहाँ पर आगे कोई और डिजिट्स होती तो उसकी वैल्यू 2, 3, 4 ऐसी मानते चले जाते। और दोस्तों जो डॉट से जो है आपका राइट वाला पोर्शन है ना, तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू हम मानते हैं ना, वो मानते हैं माइनस में। जैसे कि 5 की जो वैल्यू है वो हमने मानी -1, इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं ना कि 0 से, और वो भी माइनस में। फिर इसी तरीके से जो हमारा 2 है, इसकी वैल्यू हम मानेंगे -2। अगर दोस्तों यहाँ पर और कोई डिजिट्स होती तो उसकी वैल्यू मानते चले जाते -3, -4, -5। तो थोड़ी सी बस ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो डॉट से लेफ्ट वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, और जो राइट वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, वो भी माइनस में। तो चलिए दोस्तों करते हैं, देखिए इसे कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने करना क्या है, सबसे पहले 7 को लिख लेना है। तो हमने यहाँ पर 7 को लिखा, फिर दोस्तों इसे हमें मल्टीप्लाई करना है इसके बेस से। तो ऑक्टल का जो बेस है वो है 8। अब दोस्तों 7 की जो यहाँ पर वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस। अब दोस्तों उसके बाद है 4, तो हमने यहाँ पर 4 ले लेना है। 4 को हम दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके बेस से। तो इसका जो बेस है वो है 8। अब दोस्तों 4 की जो वैल्यू है वो है 0, तो 8 की पावर आ जाएगी यहाँ पर 0। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपका डॉट लग रहा है, तो यहाँ पर आप जो है वो अपना डॉट लगा सकते हैं, आपने डॉट लगाया। अब दोस्तों हमारे पास है 5, तो दोस्तों हम यहाँ पर जो ना 5, अब 5 को दोस्तों हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके बेस से। तो इसका जो बेस है दोस्तों वो कितना है, 8। अब दोस्तों 8 की जो 5 की जो वैल्यू है वो है -1, तो 8 की पावर दोस्तों आ जाएगी -1, ठीक है। उसके बाद फिर से दोस्तों यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन आएगा। फिर हमारे पास है दोस्तों 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और दोस्तों इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। अब दोस्तों यहाँ पर जो 2 की वैल्यू है वो -2 है, तो 8 की पावर आ जाएगी -2। अब चलिए दोस्तों कैसे इसको नेक्स्ट लाइन में हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है जी 7, ठीक है, 7 को हमने मल्टीप्लाई किया, 8 की पावर 1 का मतलब दोस्तों होता है 8, ठीक है, प्लस। अब आगे आपका दोस्तों 4, तो हमने 4 को टाइप किया, ठीक है, 4 को दोस्तों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 की पावर 0। तो दोस्तों अगर किसी की भी पावर 0 होती है, जैसे यहाँ पर 8 की जो पावर है वो 0 है, तो दोस्तों अगर किसी की भी पावर 0 होती है ना, तो उसकी वैल्यू काउंट होती है 1। ये मैथ का एक फॉर्मूला है जिसे आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर हमारा डॉट आ जाएगा। अब डॉट के बाद दोस्तों 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 8 की 8, और इसकी जो पावर है वो है -1। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर जो है वो 5 आपका ऊपर आ जाएगा और जो 8 है ना वो उसके नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये पावर है ना वो प्लस में चली जाएगी, मतलब कि माइनस से हट के प्लस में आ जाएगी। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका प्लस का साइन आएगा। इसी तरीके से आप 2 को ऊपर लिखें, और दोस्तों यहाँ पर जो आपका 8 है ना वो नीचे चला जाएगा, और जो आपकी जो माइनस में पावर है वो आपकी प्लस में यहाँ पर आ जाएगी, माइनस आपका हट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब दोस्तों आप देखेंगे, तो अगर आप 7 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर आपको नहीं आता तो आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 7 को दोस्तों हमने मल्टीप्लाई किया 8 में, तो हमारा यहाँ पर दोस्तों आ गया कितना, 56। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना आ गया जी, 56 आ गया। अब आप यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आना है, 4 आना है। फिर दोस्तों आपने यहाँ पर क्या लगाया, एक 0 लगाया। तो दोस्तों 0 लगाने के बाद, वो डॉट लगाने के बाद, अब आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो 5 है, 5 को आपको किससे, 5
अपॉन कितना हो गया, 8 की पावर 1 का मतलब दोस्तों 8 ही होता है प्लस। अब दोस्तों दूसरा आपका क्या है, 2 की पावर 8 और 2 अपॉन 8 और 8 की पावर 2। तो दोस्तों 8 की पावर 2 का मतलब क्या है जी, 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। ये 2 की पावर 8 मतलब 2 8 की पावर 2 का मतलब होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 64। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2 अपॉन 64। हाँ तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, 56 प्लस 4। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो गया कितना, 60। तो 60 डॉट, अब हम 60 डॉट, अब दोस्तों 5 अपॉन 8 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले लिखेंगे 5, फिर हम इसको ये करते हैं, और कितना है हमारा जी, 8 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 0.625। तो दोस्तों ये हमारा आ गया, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि भाई 0.625 प्लस। अब दोस्तों 2 अपॉन 64, तो हम इसको करेंगे यहाँ से, तो 2 इसको डिवाइड किया हमने किससे, 64 से, और इक्वल हमारा दोस्तों आ गया यहाँ पर कितना, 0.03125। तो 0.03125, तो 0.03125। तो आप देख सकते हैं 0.03125। अब दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या है कि 0.625 के अंदर प्लस कर देना 0.03125। तो 0.03125 यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से अब सम करें कितना, 0.625। तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं 0.625। अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.65625। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो है वो आंसर आया है कि 60 डॉट, हमने डॉट लगाया। अब उसके बाद दोस्तों ये वाला जो है ना जीरो लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, आप डॉट से स्टार्ट कर सकते हैं, 65625। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा 65625, और दोस्तों इसका जो बेस हमारा हो गया वो हो गया 10। तो ये दोस्तों हमारा आंसर आया, आप एक बार देख सकते हैं कि भाई हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है 65625। अब दोस्तों चलिए इस आंसर को हम वेरीफाई करते हैं जी, आंसर हमारा सही है या रॉन्ग है। तो उसके लिए हम इंटरनेट पे चलते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हमारा एक कैलकुलेटर है जो कि हमारा है रैपिड टेबल्स का, और आप इससे डॉट वाले क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी वैल्यू एंटर करते हैं 74.52, और दोस्तों ये हमारी एक ऑक्टल नंबर है, और हमें दोस्तों इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ से इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो आया 60 60 65 65 625 625। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आप देख ही पा रहे हैं कि भाई हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट यहाँ पर आता हुआ। तो दोस्तों अगर आप इस मेथड से एक ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कभी भी आपका आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं आने वाला है, चाहे आपके पास कैलकुलेटर की जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। बस आपकी जो ये कैलकुलेशन है ना, ये आपकी बिल्कुल एक्यूरेट राइट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके अलावा आपको अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, हमारी वीडियो के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको और इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये मेथड आपको समझ में आया हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।